कि भाई कि जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हैं, हालात तो वैसे खराब थे हमारे, जब हमने अपने टाइम में जो हमारी सरकारें थी उसको पूरी कोशिश की, डेवलपमेंट की और स्टेट की रियासत की पूरी हमने कोशिश की जिस तरीके से हालात सामान्य रहे। और बीजेपी जब आई तो यही था कि हालात बहुत खराब है, हालात सामान्य नहीं है। जैसे वो आई सरकार, जैसे वो अपने 14 महीने में सरकार से भारी तो उन्होंने कहा कि हालात को तो कश्मीर में नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर में हालात कैसे हैं। आपने देखा प्रीटेंसी थी हमारे टाइम में भी थी, हमने पूरी कोशिश की इसी तरीके से नामलेसी के लिए हमने पूरे मतबद तरीके से हमारे पार्टी का और दिल्ली में भी तो हमारी सरकार थी, हालात हमने सामान्य रखे। जो इनका दावा था कि हमने आते हालात ठीक कर दिए, जब कश्मीर के हालात हालात के लिए आज दरबदरी हो गई, आप सब कुछ देख रहे हैं, कश्मीर के हालात आप देख रहे हैं, आपने देखा कि सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, महिलाएं सेफ नहीं हैं, हमारे जो मुलाजम हैं वो सेफ नहीं है, वहाँ कश्मीर घाटी में जितने हमारे साथी जहाँ के जो हमारे एक ऐसी मतलब कास्ट के जो लोग हमारी वो रिजर्वेशन थी, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, टीचर लाइन में काम कर रहे हैं, दूसरी लाइन में काम कर रहे हैं, आज वो चेहरे पर खड़े हुए हैं। कश्मीरी पंडितों को आपने देख लिया, जैसे ही वो अपनी राहुल पटेल की जो किलिंग के बाद टारगेट किलिंग हुई, उसके बाद उन लोगों ने आपकी करते कि हमको यहाँ कोई सेफ स्टोरी में ले जाओ, सेफ टाइम दो, हमें वापस करो, हमें नौकरी भी नहीं चाहिए, यहाँ तक उन्होंने रेजिग्नेशन भी आपने सबमिट कर दिए। और पंचायतों में आपने देखा कितने पंचायत मेंबर्स, कितने क्लीन्स हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब हालात सामान्य नहीं बल्कि और हालात बन गए। अब जैसे सरकार ने आर्मी की रिक्रूटमेंट 4 साल कर दी, इसके ऊपर नौजवान जो है सारा सड़कों पर, ये तो आप सारा देख रहे हो, पूरा मीडिया देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, आपकी आप दिखा रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि पूरा देश अग्निपथ हो चुका है। अग्निपथ की जो स्कीम थी पूरा अग्नि के रूप में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। ये समझ नहीं आती है कि कहाँ से ये कुछ स्कीमें आ रही हैं इनके पास, कैसे ये मतलब ये इस बात को कैसे ये निकालते हैं, कहाँ से ये नए नए मतलब नई नई स्कीमें निकालते हैं। 4 साल की नौकरी, 17 साल से लेकर 21 तक 21 वर्ष का नौजवान जिसको आर्मी में रिक्रूट किया जाएगा और उसके बाद उसको वापस घर में दिया जाएगा, छोटा सा लालच देखिए, 30% उसका जो सैलरी होगी वो अपने पास रखेंगे, उसके बाद 7-8 लाख रुपये लेके उसको घर भेजेंगे जब वो 22 साल का हो। अब उसका पढ़ने का वक्त होता है बच्चे का, जब 17-18 साल का बच्चा मैट्रिक पास करके जब वो आगे की पढ़ाई की कोशिश करता है, अपने फ्यूचर के बारे में कोशिश करता है, तो उसको घर भेज दिया जाता है, उसको दर दर किया जाता है ताकि वो पढ़े नहीं, उसको इन हालात से गुजरना नहीं पड़े, ऐसे हालात नहीं बने जो उनके एंटी मतलब में पड़े। इसलिए वो ऐसी ऐसी स्कीमें हर मतलब है, जैसे आप सब लोग हमारे उन्होंने जो वायदे किए थे पहले कि जब जैसे हमारी सरकार आएगी हम नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, ये बजाय 2 करोड़ के जो हमारे वक्त की जो हर साल हर मतलब हर साल इसकी रिक्रूटमेंट होती थी आर्मी की 50 हज़ार रिक्रूट किए जाते थे, इतने ही लोग रिटायर होते थे, लेकिन इज्जत से रिटायर होकर आते थे, घर का भोजन भी होता था, आर्मी की वो अपनी फ्यूचर के बारे में भी सोचते थे। ये तो एंटी फ्यूचर मतलब एंटी यूथ की ये जो स्कीमें, क्या सरकार नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है? सरकार ने खिलवाड़ तो किया ही किया, मतलब हर पहलू में हर जगह ये फेल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज इशू क्या है, आज इशू है महंगाई का, आज इशू था बेरोजगारी का, आज इशू था किसानों का, आज इशू था महिलाओं का। तो आपने देख लिया कि जैसे हमारे वक्त में 400 रुपये की गैस सिलेंडर मिलती थी, आज अभी मुझे पता चला कि 1100 को भी क्रॉस कर गए हैं, मतलब 3 गुना महंगाई उन्होंने बढ़ा दी है, लोगों पर थोप दी है। ये क्या करते हैं कि 5 किलो राशन और 2000 रुपया साल में 3 बार उसके खाते में डालते हैं, लोगों को निकम्मा करने की पूरी उन्होंने कोशिश की और उनको मतलब ये वोटों में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए कि अब पूरे हिंदुस्तान में क्या हालात बनाए, पूरा सिचुएशन इन्होंने कम्बलाइज कर दी है। ये फिरका मतलब फिरका प्रस्ती इन्होंने चलाई है कि पूरे देश का मतलब पुथल पुथल कर दिया है, लोगों को समझ नहीं आ रही है।
लेकिन लोगों को एक बात की समझ आ रही है, जैसे आज हमारे साथ और हमारी पार्टी के सबसे युवा और हमारी पार्टी का नेता प्रेसिडेंट रहे राहुल गांधी जी को ईडी का सम्मान देकर आज चौथे दिन उनको ऑफिस में बुलाया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। यहाँ तो उनका बनता ही कुछ नहीं, ना वो बेटी है खुद है, ना उनका कोई लेना देना उसमें ईडी में है तो अपने इशू में। और ये केस जो है जो 15 का बिल्कुल खत्म हो चुका है, हाई कोर्ट की तरफ से ये केस बंद हो चुका था, आज नए तरीके से उन्होंने रिवाइव किया, क्योंकि हालात इतने कंट्रोल नहीं हो रहे, महंगाई की तरफ उनका ध्यान नहीं है, बेरोजगारी की बात उनका ध्यान नहीं है, जो बेल कम के साथ इन्होंने जो पिछले कल दो दिन से आप देख रहे हैं क्या हालत हो रही है। आज हमारा यहाँ धरना था, एक साइड हमारा धरना था, एक साइड लोगों का रोष देगा, नौजवानों का सबको भी उतरे। तो मेरा कहने का नेचुरल सरकार हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप आम आदमी को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे समय आए उस समय आप अपने दिमाग से, आप अपने ईमानदारी से इसका जवाब, जब कभी कोई आपका मौका मिलेगा तो वो जरूर जवाब दें।